नमस्कार दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग वुडन बॉथ साइड की चैन के ऊपर फोटो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिज़ाइन दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि ये सब बॉथ साइड के हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड में ये प्रिंटेबल है, वुडन की चैन है, अलग अलग शेप में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि इसके ऊपर आप लोग फोटो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया, कुछ यूनिक। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर हम लोग इसके लिए डिजाइन करना सीखेंगे। डिजाइन करने के बाद किस टाइम और टेम्परेचर के ऊपर फोटो ये प्रिंट होगा, हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि वुडन की चैन के लिए यहाँ पर बॉथ साइड के लिए हम लोग प्रिंट आउट डिजाइन करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है फोटो को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फोटोशॉप का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फोटोशॉप पे कर सकते हैं, अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो आप उस पर भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए डिजाइन कर लिया है और इसको हमने मिरर कर लिया है और सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, प्रिंटर सेटिंग करना दोस्तों तो आप लोग सीख ही चुके होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो मेरे दूसरे वीडियो पर जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिंटर को सेट किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रिंट दे दिया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है। हम लोग पहले इसकी खटाखट कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसको कटिंग करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये मेरा की चैन है जिसके ऊपर आज हम लोगों को फोटो प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर लगी हुई है, आप ये देखिए। इसको सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन लेयर को निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये प्रोटेक्शन लेयर आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको बढ़िया से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद ये देखिए आपका प्रिंट आउट है, इसको कट कर लेते हैं क्योंकि बॉथ साइड है, दोनों तरफ इसको प्रिंट करना है दोस्तों। तो ये देखिए, इसको लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बराबर में रख लेंगे, ये देखिए। बराबर में रखने के बाद सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको बढ़िया से लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर आज हम लोग प्रिंट करने वाले हैं वुडन की चैन बॉथ साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम लोग पहले मशीन को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, मशीन को ऑन करने के बाद हम लोग मोर की बटन प्रेस करेंगे दोस्तों। यहां पर मिनिमम टेम्परेचर 300 दिखाई पड़ रहा है, हम लोग जिसको इसको बढ़ा करके हम लोग 350 रखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है प्लस वाला बटन प्रेस करके 350 कर लेंगे। मिनिमम टेम्परेचर जो रहेगा दोस्तों 350 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो भी 350 होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, मिनिमम टेम्परेचर 350 और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 350। और टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो 60 सेकंड यहाँ पर ऑलरेडी सेट है आप लोगों का। नहीं सेट है तो आप लोग इस तरीके से मोर की बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इसके ऊपर जब टाइम के ऊपर आ जाएगा तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा और बढ़ जाएगा। इस तरीके से हीट होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी, मशीन 350 पहुंचेगी, मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग वुडन की चैन को इसके अंदर प्रिंट करने वाले हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये जो हम लोगों ने यहाँ इसको तैयार किया है, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। जो पेपर वाला भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा, उसके बाद रखने के बाद हम लोग टेफ्लॉन शीट को रखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। टेफ्लॉन शीट को रखने के बाद हम लोग इस तरीके से मशीन को घुमा देंगे, ये देखिए। इसको करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, मशीन टेम्परेचर आप देख सकते हैं, मशीन बीप की आवाज़ कर चुकी है दोस्तों। तो अब हम लोग फटाफट इसको इस तरीके से हम लोग इसको प्रेस कर देंगे।
प्रेशर ज़्यादा है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये लास्ट वाली बटन हम लोगों ने प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी दोस्तों, हम लोग इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, टाइम कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग मशीन को ऑफ करेंगे और इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन ने बीप की आवाज़ कर दी है। अब हम लोग इस तरीके मशीन को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से मशीन को ऊपर उठा लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर को ऊपर करेंगे दोस्तों, दोनों साइड बॉस साइड प्रिंट करने के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट जो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का प्रिंट आ चुका है। ये देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी प्रिंट हो चुका है दोस्तों। अभी वह एक तरफ बाकी है इसमें, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको भी कर लेते हैं। एक तरफ प्रिंट हो चुका है, दूसरी तरफ आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करना होगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इसको पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेयर लगी हुई है, ये कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं प्रोटेक्शन लेयर को निकाल लेंगे और इसको बढ़िया सा साफ कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये साफ करने के बाद जो हम लोगों का प्रिंट आउट है, उस प्रिंट आउट के ऊपर हम लोग इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसकी कटिंग कर लेंगे पहले दोस्तों, जो साइड में है ये ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है इस पर, कुछ इस तरीके से बाहर जो बढ़ा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। और सब्लिमेशन टेप की सहायता से दोस्तों वही फिर प्रोसेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर फिर से उसको लॉक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और चलते हैं मशीन के ऊपर। यहाँ पर जहाँ पर देखते हैं फिर से टाइम टेम्परेचर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये वन साइड प्रिंट हो चुका है, एक तरफ नई प्रिंट है। तो हम लोग फटाफट इसको जो है प्रिंट करने वाले हैं। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों, कुछ भी नया नहीं करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको रख दिए हैं। फिर वही टेफ्लॉन सीट को हम लोग रखेंगे कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से हम लोग मशीन को घुमा करके थोड़ा सा प्रेशर को डाउन करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, और लास्ट वाली बटन हम लोग प्रेस कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग इसके अंदर मशीन के अंदर से वन साइड वाला कीचेन वुडन वाला निकालने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मशीन जो है बीप की आवाज़ कर चुकी है। चेन आप लोगों का प्रिंट होकर के तैयार हो चुका है बॉथ साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों, ये अब प्रिंट होने के बाद ये ठंडा हो रहा है। जैसे ही ठंडा होता है, मैं आप लोगों को इसको की चेन सेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ आप लोगों को ये की चेन मिलता है यहाँ पर, और ये देखिए इसके साथ ये एक अटैचमेंट मिलता है। तो इसको हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को एक प्लास की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इसको दबाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको दबा देते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का कीचेन बन करके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लुक आया हुआ है इसमें। ये देखिए, बॉथ साइड में दोनों तरफ ये प्रिंट हो चुका है। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसी के साथ इसमें भी करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये अटैचमेंट आप लोगों को इसके साथ रहता है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा कंप्लीट मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग जब बाय करेंगे तो ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट आप लोगों को भी मिलेगा इस तरीके से। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से डालने के बाद हम लोग हल्का सा प्लास से इसको प्रेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, थोड़ा सा हीट है दोस्तों, ये अभी ये थोड़ा सा बाकी है। इसको हल्का सा और प्रेस कर देते हैं, अभी थोड़ा जल रहा है ये, इसलिए पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप लोग जब ठंडा हो जाए तब करिएगा दोस्तों। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और प्रेस कर देते हैं, बस ये देखिए, ये हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का वुडन बॉथ साइड वाला कीचेन बन करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो से दोस्तों आप लोगों ने कुछ भी सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।